हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ होममेड शाही गरम मसाले की रेसिपी। ये मार्केट से भी बहुत अच्छा है और आपको पता है कि मार्केट में कितने केमिकल मिल रहे हैं और रोज अखबार में आ रहा है कि इस मसाले में ये केमिकल है, इस मसाले खाने से हमें ये बीमारियां हो रही है। तो इसलिए हम शुद्ध, जब सारी चीजें शुद्ध खाते हैं तो हम गरम मसाला भी, थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती, तो हम गरम मसाला भी आराम से घर में पीस कर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके साथ गरम मसाले की रेसिपी। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और गरम मसाले की रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। इस रेसिपी को आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इतनी खुशबू आ रही है इस रेसिपी को। अभी हाल मैंने बनाया है, पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है। तो इस रेसिपी को आप भी बनाकर ट्राई करें और पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो चलिए किचन में बनाते हैं शाही गरम मसाला। गरम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बड़ा बर्तन और मेजरमेंट का ध्यान रखना आप लोग। तो गरम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी के हिसाब से मैं ले रही हूँ सूखा धनिया। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएगा। तो ये मैं डाल दूंगी एक कटोरी सूखा धनिया। इसी कटोरी के हिसाब से हम इसमें डालेंगे आधी छोटी कटोरी लौंग। तो लौंग हमेशा आप ये फूल वाली लीजिएगा, इसमें स्वाद अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। जिसके ऊपर ये टोपी होती है ना, ये वाली लौंग आप लीजिएगा। उसके बाद हम लौंग के बाद इसमें लेंगे काली मिर्च। तो यहाँ पर मैं दो तरह की काली मिर्च ले रही हूँ। एक ये काली मिर्च है, तो ये आधी छोटी कटोरी ले रही हूँ मैं। उसके बाद मैं लेंगी यहाँ पर सफेद मिर्च। सफेद मिर्च अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं हो तो ये इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर देना। ये सफ़ेद मिर्च आपको पंसारी की शॉप पर आराम से मिल जाएगी। तो ये भी मैं 2 से 3 छोटे चम्मच ले रही हूँ, ये भी इसमें मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी शाहजीरा। ये देखिए आपको पंसारी की शॉप पर आराम से मिलेगा। तो शाहजीरा 2 चम्मच ले लूँगी मैं, इससे टेस्ट और खुशबू बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं लूँगी 4 जावित्री, ये भी मिल जाएगी जावित्री। उसके बाद ये 5 मैं लूँगी स्टार फूल। उसके बाद 4 यहाँ पर मैंने दालचीनी की स्टिक ली है, ये लेके इसको हम तोड़ लेंगे जब हम गरम मसाला पीसेंगे। उसके बाद ये 2 लिए हैं मैंने जायफल, इसको भी हम तोड़ के ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी 8 से 10 तेज़पत्ता। उसके बाद हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे यहाँ पर। एक छोटी चम्मच जीरा, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर खसखस पाउडर, ये पॉपी सीड आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ये भी 2 चम्मच डाल रही हूँ, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद ये है पत्थर के फूल, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ये गरम मसाले में ज़रूर ऐड करने चाहिए। उसके बाद है ये पीपली, ये आपको मार्केट में मिलेगी पंसारी के शॉप पर, ये मैं 8 से 10 पीपली डाल रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी कटोरी इलायची, इससे टेस्ट और खुशबू बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बड़ी इलायची, तो 8 से 10 मैंने बड़ी इलायची डाली है, ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास सॉल्ट हो तो आप सॉल्ट डाल देना, नहीं हो तो मैं सॉल्ट पाउडर बनाकर रखती हूँ, तो ये हम सॉल्ट पाउडर बाद में डालेंगे। तो जायफल हम तोड़ के डालेंगे और हम ये दालचीनी भी तोड़कर ही डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दालचीनी को तोड़ लिया है, अब इसमें डाल दिया है। तो चलिए अब हम सारे मसाले, अभी बारिश का टाइम है, इन मसालों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो हम गैस की तरफ चलते हैं और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ठंडा करके फिर पीसेंगे, तो इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इस मसाले को 5 से 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और आधा चम्मच किसी भी रेसिपी में डालेंगे तो आपकी रेसिपी में 4 चांद लग जाएंगे। हमने यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई को चढ़ा दिया है, गैस हमने जला दिया है। अब हम सारा गरम मसाला इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे कि इसमें जो भी सिम है वो निकल जाए और सारे मसाले रोस्ट हो जाएं। बस इतनी देर हमें लगातार चलाते रहना है और गैस की आँच को हमें सिम ही करके रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे जो मसाले हैं ये अच्छी तरह हमने रोस्ट कर लिए हैं और
कढ़ाई को मैंने गैस से नीचे उतार लिया है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो अभी हमारी कढ़ाई गर्म है तो इसके साथ हमारे सूखे मसाले भी रोस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी कसूरी मेथी, तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो इससे क्या कलर हमारा बहुत अच्छा आएगा। तो 3 चम्मच मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ इसमें। और इसमें डालूंगी कलर के लिए हल्दी पाउडर, तो 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। और अब हम इसमें डाल देंगे सौंठ पाउडर, जो पिसा हुआ सौंठ पाउडर मेरे पास है। अगर आपके पास आखी सौंठ हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर पिसा हुआ सौंठ पाउडर है। ये इसमें डालकर पूरा हम इसके साथ जो अभी गर्म है तो ये मसाले भी हमारे इसके साथ रोस्ट हो जाएंगे। तो मसालों की अभी रोस्ट जब मैंने कर रहे थे तो ही इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। तो मसाला ऐसा बनना चाहिए कि पड़ोसी भी आके पूछे कि आज आपके घर पर क्या बन रहा है। तो हम बना रहे हैं आज शाही गर्म मसाला। तो चलिए अभी ये गर्म है तो मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर देती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें रोज पेटल्स, ये गुलाब की सूखी पत्तियां हैं जिसको मैं हमेशा हर साल धोकर सुखा के रखती हूँ। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे तो इससे हमारे मसाले का टेस्ट बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो हमारा शाही गर्म मसाला बनकर तैयार होगा। अभी बहुत गर्म है, जैसे ही हमारा ठंडा होगा हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर के छोटे वाले जो चटनी वाला जार होता है ना उसमें हम पीसेंगे। और पल्स मोड पर आपको पीसना है ताकि इसकी खुशबू जल ना जाए। आपको तेज बार बार तेज उस पर नहीं पीसना है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब हमने मिक्सर का एक जार लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालकर इसको पल्स मोड पर पीस लेंगे। तो हमें ये मसाला 3 से 4 बार करके पीसना पड़ेगा क्योंकि मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पूरा मसाला मैंने 3 से 4 बार करके बारीक पीस लिया है। अगर आपको इससे भी बारीक चाहिए तो आप इसको छानकर यूज़ कर सकते हैं। अभी गर्म है, जैसे ही हमारा ठंडा होगा हम इसको एक ग्लास जार में स्टोर कर लेंगे और इसको हम 5 से 6 महीने तक यूज़ करेंगे। बस आप किसी भी रेसिपी में 1/2 चम्मच डालें और आपकी रेसिपी में 4 चांद लग जाएंगे। इतना टेस्टी गर्म मसाला बनकर तैयार हुआ है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में तो आप जानते ही हैं रोज नई नई खबर आ रही है कि गर्म मसाले में, इस मसाले में, उस मसाले में कितनी सारी केमिकल वगैरह मिल रही है, कितनी बीमारियाँ हो रही है। तो जब हम सारी चीज़ें शुद्ध खाएँ तो हम गर्म मसाला भी अपने घर में बनाकर रख सकते हैं और इन्जॉय सकते हैं। इतना बढ़िया खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करके बताना कि आपको गरम मसाले की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।